स्टडी मटेरियल ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस छोटा वो स्पेसिफिक वगैरह दिया हुआ है डिजाइन वगैरह, तो ये सब आप लोग जाके देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे बात रहा, बहुत लोग का डाउट रहता है कि क्या वो लोग बुक प्रोवाइड करेंगे, सो वो लोग बुक नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि वो लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और उसका यदि आप प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो आप लोग प्रिंट भी निकलवा सकते हो, लेकिन वो सब स्टडी मटेरियल यहीं पे अपलोड किया जाएगा कोचिंग में। बस रिलेटेड सीन यह है कि जब भी आपको वहाँ पे विजिट करना है तो उससे पहले उनसे परमिशन लेना होगा, तो ये गेट पास उसी के लिए है, वो बिना गेट पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो आप लोग को पहले। हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है राहुल ट्रेजरी यूट्यूब चैनल पर, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि IIT पटना BSc कंप्यूटर साइंस एंड डाटा एनालिटिक का क्लास कहाँ पर चलेगा। सो ये है कुछ उस इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस रहेगा। सो ये दूसरा सवाल होगा आप लोग के मन में कि ये आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये आप लोग को ईमेल के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा। ये विंडोज़ के लिए भी है, ये मैक के लिए भी है, ये iOS के लिए भी है, और ये एंड्रॉयड के लिए भी है, सब वर्जन में ये अवेलेबल है। आप अपना सुविधा अनुसार कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आज देखेंगे कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है और इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग को मिल रहा होगा। सो यहाँ पे डैशबोर्ड पे पहले मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से खुल रहा होगा, जो कि मैं अभी ऑब्वियसली आपको शो नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ फ़ी पेमेंट पे बहुत आदमी का डाउट रहता है कि भैया मैंने फ़ी पेमेंट कर दिया लेकिन फिर भी मेरा अनपेड लिखाया हुआ है, तो अभी ये अनपेड ही लिखाएगा। जब आप ओरिएंटेशन में जाओगे और अपना पेमेंट का प्रूफ उन लोगों को हार्ड कॉपी में दोगे तो वो अपडेट हो जाएगा कुछ दिन में। सो यहाँ पे आप चलिए टाइम टेबल की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अब आप लोग का होगा कि लाइव क्लास कब से होगा। सो 31 तक तो आप लोग का ओरिएंटेशन ही चलेगा, फिर 1 अगस्त से स्टार्ट होना था ये, लेकिन अभी ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 100% कंफर्मेशन है कि ये चालू हो जाएगा, ऐसा ओरिएंटेशन में वो लोग बोल रहे थे। मैं अपने अंत से इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टाइम टेबल भी आप लोग क्लिक करके देखें तो यहाँ पे अभी कुछ एज सच टाइम टेबल आया नहीं है, और लेसन प्लान भी अभी यहाँ पे आया नहीं है, तो ये दोनों भी कुछ दिन में आ जाएगा, कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे सिलेबस की यदि हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे सिलेबस में ये देख सकते हैं अभी इनकम्प्लीट, 0% इनकम्प्लीट दिखा ही रहा है। और ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का ये है सिलेबस, मैथमेटिक्स देख सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाउंडेशन ऑफ डाटा एनालिटिक, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल, और यहाँ पे देख सकते हैं 0% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये सब का पढ़ाई होगा। और यहाँ पे होमवर्क सेक्शन भी देख सकते हैं, अभी कुछ भी इसमें नहीं है। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी को बहुत डाउट है कि ऑनलाइन फॉर्म में होगा या ऑफलाइन फॉर्म में होगा, तो मैंने फेसबुक पे देखा वो लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन होगा, और वो लोग व्हाट्सएप पे बोलते हैं ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन ही होगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इसमें अभी कोई क्लियरिटी है नहीं, जैसे ही ये स्टार्ट होगी, क्लियरिटी आ रही होगी, उस समय मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ कोर्स, तो एग्ज़ाम क्या होगा, और यहाँ से एग्ज़ाम रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख सकते हैं, अटेंडेंस यहाँ पे, यहाँ से आप लोग अटेंडेंस भी देख सकते हैं, और यहाँ नोटिस बोर्ड पे आप लोग का जितना भी ज़रूरी क्लास होगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ से आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, यहीं पे आज आ जाएगा, जैसे ही लाइव क्लास का यहाँ पे छोटा सा लिंक भी दिया होगा ये नोटिस। चलिए यहाँ पे कंटेंट सेंटर की बात किया जाए तो असाइनमेंट अभी एज सच कुछ है नहीं, और असाइनमेंट के बाद स्टडी मटेरियल अभी प्रोवाइड, यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं, पहले मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं आप, जैसे कि डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस, ये सब भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। थैंक 13 स्लाइड्स इसमें एक में, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ स्टडी मटेरियल एज सच कुछ दिया हुआ नहीं है, बस छोटा बहुत सॉफ्ट स्किल वगैरह दिया हुआ है, डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब आप लोग जाके देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे बात रहा, बहुत लोग का डाउट रहता है कि क्या वो लोग बुक प्रोवाइड करेंगे, वो लोग बुक नहीं प्रोवाइड करेंगे बल्कि वो लोग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे,
और उसका यदि आप लोग प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो आप लोग प्रिंट भी निकलवा सकते हो, लेकिन वो सब स्टडी मटेरियल यहीं पे अपलोड किया जाएगा कुछ दिन में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट रहता है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये कोर्स पहला बार है, तो प्लेसमेंट का एज सच अभी कुछ रिकॉर्ड आया नहीं है। सो आप लोग अपना अपना देख लो। सो लिविंग लीव एप्लीकेशन के लिए यहाँ से आप लोग डाल सकते हो, और कंप्लेन उम्प्लेन कुछ है तो। टीचर रिव्यू, टीचर की बात किया जाए तो यहाँ पे डॉक्टर आसिफ इकबाल, प्रोफेसर ए के ठाकुर सर, सो ये दोनों सर से ओरिएंटेशन में भी ये दोनों सर थे, और ये दोनों सर ही सीएससी डिपार्टमेंट के हैं। डॉक्टर आसिफ इकबाल सीएससी डिपार्टमेंट से ही आते हैं। सो ये सब आपके फैकल्टीज सारे रहे, और यहाँ पे लाइब्रेरी का भी आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा होगा, जो कि डिजिटल लाइब्रेरी आप लोग को एक्सेस कुछ दिन में हो जाएगा। अभी अभी इसमें होगा नहीं, अभी इसमें नो रिकॉर्ड है, कुछ दिन में ये अपडेट कर दिया जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे हॉस्टल रूम्स जो 10 दिन के लिए आप लोग जाओगे वहाँ पे आप लोग को हॉस्टल रूम्स मिल रहा होगा, और गेट पास। सो गेट पास से रिलेटेड सीन ये है कि जब भी आपको वहाँ पे विजिट करना है सो उससे पहले उनसे परमिशन लेना होगा, तो ये गेट पास उसी के लिए है, वो बिना गेट पास के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सो आप लोग को पहले गेट पास लेके परमिशन लेना पड़ेगा। सो यदि इसके रिलेटेड कुछ और भी डाउट है, यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर गेट पास का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यही था आज के वीडियो में। यदि आपको कुछ इसके बारे में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके लिखें, यदि मैं रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।